राष्ट्रीय सेंट्रल वर्क बोर्ड ने मुख्तार अंसारी की पत्नी को नोटिस भेजा है। बड़ी खबर, जहां मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा अंसारी को समन भेजा गया है। 1 दिसंबर तक पेश होने को कहा गया है। अफशा अंसारी को जहां 1 दिसंबर तक नहीं दिया जवाब तो सख्त कार्रवाई करने की बात भी इस दौरान सेंट्रल वर्क बोर्ड की तरफ से की गई है। तो जाहिर तौर पर इससे समझा जा सकता है कि न सिर्फ मुख्तार अंसारी बल्कि मुख्तार अंसारी के परिवार की जो मुश्किलें हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। एक नए सिरे के साथ एक नई मुश्किल, एक नई मुसीबत उनके सामने आकर खड़ी हो चुकी है। राष्ट्रीय सेंट्रल वर्क बोर्ड ने अब मुख्तार अंसारी की पत्नी को नोटिस भेजा है। अफशा अंसारी उनका नाम है। जहां पर बता दें कि अफशा अंसारी ने अगर 1 दिसंबर तक कोई जवाब नहीं दिया, जो नोटिस यहां पर भेजा गया है, तो उन पर सख्त कार्रवाई करने की बात लगातार शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड करता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसे में आपको बता दें कि योगी सरकार में मुख्तार अंसारी की जो मुश्किलें हैं वो एकाएक बढ़ती हुई नजर आ रही है। एक बार फिर से रुक करेंगे संवाददाता अवनीश कुमार का। अवनीश, देखिए बहुत आसानी से समझा जा सकता है कि मुख्तार अंसारी और उनके परिवार की जो मुश्किलें हैं कम होने का नाम नहीं ले पा रही अभी हाल फिलहाल में, क्योंकि अब शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने भी मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा अंसारी को नोटिस चस्पा कर दिया। जी बिल्कुल, देखिए माफिया मुख्तार अंसारी का परिवार लगातार कानून के शिकंजे में बढ़ता चला जा रहा है, और यही वजह है कि एक और मामला सामने आया है और कहीं ना कहीं उनकी जो पत्नी है उनके लिए मुश्किलें ये खड़ा कर रहा है। तो साथ है कि वक्फ दरोगा मीर वाजिद अली की जमीन अवैध रूप से खरीदने का आरोप लगा है। इसमें आरोप लगाया गया है कि जो उनकी पत्नी है अफशा अंसारी, उनकी कंपनी ग्लोरी लैंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड को साल 2013 में वक्फ अभिलेख में जो है फेरबदल किया गया था और उसे बेचा गया था, उसी को लेकर ये आरोप लगा। और इस जमीन की कीमत करीब 10 करोड़ रुपए आज के डेट में रखी गई है। तो कहीं ना कहीं जो अभिलेख है उसमें हेरफेर किया गया था और यही आरोप लगा है मुख्तार अंसारी की पत्नी से। उसी को लेकर सिया वक्फ बोर्ड ने इस पर जवाब समन भेजा है और 1 दिसंबर को उन्हें हाजिर होने के लिए आदेश जारी किया। अगर 1 दिसंबर को वह हाजिर नहीं होती है तो वक्फ अधिनियम के तहत कार्रवाई चेतावनी जारी की जाएगी। उसके बाद आगे की जो प्रक्रिया है विधि उसको शुरू कर दिया जाएगा। अब बिल्कुल देखिए, जमीन का ये पूरा मामला, ऐसे में मुख्तार अंसारी की मुश्किल तो लंबे समय से बढ़ ही रही है, वो किस तरह से हर किसी के सामने। मुख्तार अंसारी की पत्नी को भी अब चूंकि आशिया सेंट्रल वर्क बोर्ड की तरफ से यहाँ पर नोटिस चस्पा कर दिया गया है, ऐसे में जमीन बेचने के मामले में जो और भी संलिप्तता जिन लोगों की थी, क्या उनको भी 1 दिसंबर तक जवाब देने की बात कही गई है? देखिए 1 दिसंबर को सबसे पहले तो सिया वक्फ बोर्ड के सामने मुख्तार अंसारी की पत्नी को ही हाजिर होना है, उनको अपना पक्ष रखना है। उसके बाद जब उनका बयान दर्ज किया जाएगा तो उसमें देखा जाएगा कि आखिर उन्होंने जो अभिलेख लगाए थे वो किसके कहने पर लगाए थे, वो अभिलेख कहाँ पे तैयार किए गए थे, इसमें कौन कौन लोग शामिल थे और उस समय सिया वक्फ बोर्ड में कौन कौन लोग थे, इसको लेकर भी चर्चा की जाएगी। तो सबसे पहले जो उनका बयान है उसको दर्ज किया जाएगा, उसके बाद आगे की जो कार्रवाई है उसको शुरू किया जाएगा और जो भी उस जद में अनियमितता में दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ भी विधिक कार्रवाई शुरू की। बिल्कुल, जानकारी साझा की उसके लिए बहुत शुक्रिया अवनीश कुमार आपका।